कर्नल त्यागवीर, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चीन बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी सेना अमेरिका के बाद, क्या हम इस एंगल से ना देखें कि अगर अमेरिका मदद ना करे, दूसरे देश मदद ना करें, तो वो आराम से ताइवान को निगल सकता है? बिल्कुल सही बोला राजेश आपने, ये बात बिल्कुल सही है। बिकॉज चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो आप हर जगह देख सकते हैं, वो चाहे इंडिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे ये ताइवान हो, उसका हमेशा एम रहता है कि उसको अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। तो ताइवान उसी एक कैटेगरी में आता है जिसको वो हड़पना चाहता है। और जो एसके सिंह साहब ने बोला है वो उन्होंने भी सही बोला है कि अमेरिका का एक उद्देश्य होता है कि अपने हथियारों को टेस्ट करना या उनको सेल करना जिससे उसकी इकोनॉमी बढ़े। बट उसके साथ साथ उसका ये भी है कि ताइवान को कौन सपोर्ट करेगा, छोटा सा कंट्री है। यदि चाइना के अगेंस्ट में यूएस नहीं सपोर्ट करेगा तो चाइना तो बड़े आराम से उसको निगल लेगा। बिल्कुल सर। और उसके साथ साथ फिर जापान को भी खतरा होता है जी। तो ये सब देखते हुए आपने जो बताया सही बताया कि चाइना का जो उद्देश्य है विस्तारवाद का, उसके अगेंस्ट में किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है त्यागवीर राघव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये जो हथियारों का जखीरा ताइवान ने इकट्ठा करके रखा था, और जिस प्रकार से ताइवान हमेशा चीन को लेकर तैयारियां करता रहा है, उसी प्रकार से उसने अपनी सेना को बिल्ड किया है, क्या यही एक बड़ी वजह रही कि चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया? देखिए ऐसा है कि हर देश अपनी जो पब्लिक है उसकी सुरक्षा करना चाहता है, हर देश अपनी नेशनल इंटीग्रिटी बना के रखना चाहता जी। है। तो ताइवान ने जो किया है वो अपने इंटरेस्ट में किया है और वो जरूरी है। तो ज्यादातर उसके पास जो भी जखीरा है, जो भी वेपन्स है, वो सब यूएस के हैं, जिसमें एक एसके सिंह साहब ने जो कुछ बताया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा डिफेंस सिस्टम है ANTQ जी, ये जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी उनका अमेरिका का ही है। बाकी ये जो मिसाइल, जो ह्यूसिन फैंग मिसाइल है, वो जरूर ये ताइवान ने बनाया है, और क्रूज मिसाइल है जिसकी काफी 4.0 मैक तक की स्पीड है जी। तो ये तो जरूरी है कि उसको अपनी सुरक्षा के लिए करना है, और इनकी रेंज में चाइना अच्छी तरीके से आता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना को इससे डर है कि भाई ये यदि वॉर होता है और ये वो कोशिश करता है चाइना उसके ऊपर अपना अटैक करने की, तो ताइवान जरूर उसको रिवर्ट करेगा और उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जखीरा उसने उसी को देख के बनाया। और दूसरी बात जहां तक है एंटी शिप मिसाइल्स की है, क्योंकि उसके चारों तरफ समुद्र है, ठीक तो है। उसको एंटी शिप का ही ज्यादा ही उसको वेपन्स को रखना पड़ेगा जो उसके पास ऑलरेडी है। और इसमें ज्यादातर जितने भी है, जो उतना पुराना मेंशन किया एसके सिंह साहब ने, वो सारा यूएस का दिया हुआ है, और पुराना जरूर है लेकिन वो इफेक्टिव है, अभी भी वो कारगर है जी। डॉक्टर धनकरल त्यागवीर राघव सर, मैं एक अलग एंगल से चीजों को समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अमेरिका की सबसे ज्यादा फोर्सेस अगर बात करें तो इस वक्त या तो दक्षिण कोरिया में है या जापान में इस वक्त तैनात हैं। सातवां बेड़ा उसका केंद्र भी लगभग जापान में है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका यूक्रेन में पीछे हटा, जिस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान में पीछे हटा, तो क्या एक भरोसा उठता जा रहा है अमेरिका के ऊपर से, और जापान को भी इस चीज का रियलाइज हो रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है अमेरिका यहां से भी पीछे हटे और हमें अपने दम पर चीन का मुकाबला करना हो? ये मैं इस एंगल से चीजों को समझना चाहूंगा आपसे। राजेश आपने ये सही एनालाइज किया है इस बात को। और दूसरी चीज ये है कि हर देश की जब तक उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुरक्षित नहीं है जी, तो वो इकोनॉमिकली कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिकॉज उसको अपने सबसे पहले अपने टेरिटरी को सुरक्षित करना है, और ना उसकी सुरक्षा करने के लिए उसमें GDP का वो कितने % करता है, ये बड़ी सोची समझी रणनीति है जापान की। क्योंकि उसे पता है कि यदि मेरी बाउंड्री कंट्री की नहीं सुरक्षित है तो बाकी देश क्या करेगा। तो इसलिए उसने जो ये बजट किया है वो उसके थ्रेट परसेप्शन को देखकर उसने किया है। दूसरी बात जो आपने ये अमेरिका की जो बोली है कि वो बाद में पीछे हट सकता है या मुंह की खा सकता है, क्योंकि यू नो जहां भी
ग्राउंड फोर्सेस की जब बात होती है तो अमेरिका आगे नहीं आता है, ग्राउंड के फोर्सेस के मामले में वो हमेशा पीछे हट जाता है और वो अपना एक व्यक्ति भी लूज करना नहीं चाहता है। तो ये कहना सही होगा कि अमेरिका कब पीछे हट जाए कोई नहीं कह सकता है, जैसे कि आपने देखा यूक्रेन में हुआ या तालिबान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, तो यहाँ भी ये हो सकता है। और ये हो सकता है कि ये जापान की ये समझ हो, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी जीडीपी का कितने परसेंट वो अपनी सुरक्षा पे करते हैं उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, नहीं आपको उसको दुरुस्त कर सकते हो, तब तक उस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। चलिए कर्नल त्यागवीर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं बड़ी अहम पॉइंट आपसे समझूंगा। पाकिस्तान में 56% का निवेश कम करना, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल सऊदी में चीन कर रहा है, सऊदी में चीन ने निवेश बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, किस एंगल से आप इस चीज को खंगालेंगे, कैसे देखेंगे आप नजरिए में? राजेश, पहली बात तो ये है कि जो जनरल एस के सिंह साहब ने बोला कि उसकी इकोनॉमी खुद ही खस्ता हो रही है, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखिए, जब ये कोरोना शुरू हुआ था तभी आपको पता है कि सारे बाकी देशों ने, क्योंकि हर आदमी जानता है कि इसका जो शुरुआत तो चाइना से हुई थी और उसने इसको छिपा के रखा और उसकी वजह से पूरी दुनिया को झेलना पड़ा जी। एंड उसके बाद में सब, जब बाकी कंट्रीज को पता लगा कि चाइना ने ऐसा किया है, तो सबने अपने अपने वहां से इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिया, कंपनियां वहां से निकलना शुरू हो गई। और उसके साथ साथ जैसे इंडिया जैसा जो सबसे बड़ा मार्केट था चाइना के लिए, वहां हमने मेड इन इंडिया शुरू करने के बाद में चाइना की इकोनॉमी पे बहुत उसका असर पड़ा। तो अभी चाइना का अपना ही अपनी पॉपुलेशन को संभाल के रखना, अपनी इकोनॉमी को बना के रखना ही मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो BRI प्रोजेक्ट में भी कहां से वो इतना पैसा देंगे, तो वो उसका असर देखा जा रहा है। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं आपसे, वो बड़ा अहम पॉइंट है, जिस प्रकार से सऊदी कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई है एनर्जी के लिए, उस लिहाज से भी अगर देखें हम कि अपनी पकड़ सऊदी कंट्री में चीन मजबूत करना चाहता है, तेल के लिए उस तरफ जा रहा है, ये दो चीजें मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या ये एंगल भी पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये एंगल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एनर्जी के लिए चाइना को भी एनर्जी चाहिए और वो सऊदी से, वहां से अपना वो एनर्जी ले सकता है, पाकिस्तान से उसे क्या मिलने वाला है? सी, यदि ये BRI प्रोजेक्ट फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ कि उसके पास फंड्स नहीं है, तो पाकिस्तान से तो उसे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन सऊदी कंट्रीज से जरूर उसके लिए, उसकी तरफ वो जरूर देखेगा कि जो उसकी इकोनॉमी में सपोर्ट कर सके, एनर्जी का आपूर्ति कर सके, उसी वजह से वो वहां ज्यादा अभी अपना तवज्जो दे रहा है, बजाय कि उसकी कि वो पाकिस्तान को दे, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही बैंकक्रप्ट है, उसके लिए तो चाइना जितना सपोर्ट करता था, यदि वो करता रहा तो चाइना तो खुद प्रॉब्लम में है आजकल जी। तो आई थिंक ये एक रीजन है जिसकी वजह से वो सऊदी की तरफ देख रहा है, जहां से कि उसको भी सपोर्ट मिल सकता है। इट इज ए गिव एंड टेक। बिल्कुल गिव एंड टेक। चलिए, मैं कर्नल त्यागवीर राघव सब, यहीं से भारत को मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर रूस चीन एक साथ आते हैं, दोस्ती मजबूत होती है, जिस फैक्टर पे मैं बात कर रहा हूं, भारत का क्या होगा? क्या रूस चीन के साथ जाएगा, भारत के साथ जाएगा? क्योंकि गलवान में किसी वक्त व्लादिमीर पुतिन की चुप्पी ने सवाल खड़े किए हैं सर। देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि भारत कभी भी चीन के साथ नहीं जाएगा जी। चीन के साथ जो चीन की जो हरकतें होती रहती है LAC पर, वो तो कभी हो ही नहीं सकता कि भारत चीन के साथ जाएगा। और रसिया के साथ इसके हमेशा पुराने संबंध रहे हैं भारत के, क्योंकि रसिया ने हमेशा जो है हमारे बुरे वक्तों में साथ दिया है, किसी भी वक्त में जब भी हमें कुछ जरूरत हुई है तो वो रसिया ने हमेशा हमें साथ दिया है। तो ये तो आप भूल जाइए कि वो कभी भी चीन के साथ जाएगा। रसिया के साथ जाएगा, वो सिचुएशन उस टाइम देखेगा कि क्या सिचुएशन है और क्या जरूरत है। भारत आजकल इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में डिसीजन नहीं लेता है, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो US हो जी। भारत को किसी की तरफ मुंह देखने की जरूरत है, भारत अपने पक्ष में अपने मतलब जो उसके फायदे में है, जो उसके कंट्री के फायदे में, उसको देख करके ही डिसीजन लेगा, वो किसी से डरता नहीं है। अभी भी जिस तरीके से SK सिंह साहब ने बताया कि उसने
जो ग्राउंड फोर्सेस में उसने एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, वो जो यूएस की जो डिफाई किया है उसको, यूएस को डिफाई किया। यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करे, बट फिर भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। और जब ये सिचुएशन आएगी कि किसके साथ भारत को जाना है, वो भी अपना इंटरेस्ट देखकर वो डिसीजन लेगा, वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं। मैं लौटता हूं। हम कीव तक जाते हैं, लेकिन कई शहरों पे कब्जा करते हैं, लेकिन अब यूक्रेन पलटवार कर रहा है। और खारकीव की बात करें, डोनबास की, डोनेट्स की बात करें, तमाम जगहों पर अब पलटवार किया जा रहा है। क्या काउंटर अटैक जो है वो कामयाब हो पाएगा, या फिर ये लड़ाई और खिंचती चली जाएगी? राजेश, ऐसा है कि ये लड़ाई खिंचेगी तो जरूर, इसमें कोई शक नहीं है जी। और अभी क्योंकि फ्रेश सप्लाई मिल चुकी है यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज और यूएस से, तो वो अभी काउंटर अटैक कर रहा है और किसी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो रहा है, रशिया को वो चुनौती दे रहा है। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जो जब ये वेपन्स की लड़ाई होती है, हथियारों की लड़ाई होती है, तो उसमें सबसे बड़ी लड़ाई इकोनॉमी की होती है जी। और ये इकोनॉमी की लड़ाई जो है वो ज्यादा हो गई है अभी, जिस तरीके से कि यूरोपियन कंट्री ने बोला कि भाई उसका तेल का प्राइस वो कम कर देंगे, इधर रशिया ने बोला कि हम गैस नहीं देंगे, और दोनों तरफ से ये जो आपने बोला कि भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। चलिए सर, समय मेरे पास कम है, अगली बार जरूर मिलेंगे। तो